इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सब्सक्राइबर है उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एस बैंक से 25 लाख रुपए का होम लोन लेना है और जो उनको जानना है कि 20 साल और 25 साल की इसकी महीने की किस्त क्या बनेगी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा और यहाँ पे जो स्कीमें चलती है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे पूरे वीडियो को जो है आखिर तक वॉच करिएगा चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑल पे कर दीजिएगा तो जैसे आप देख सकते हो होम लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते हैं अगर आप यहाँ से होम लोन लेते हो तो स्टार्टिंग जो होती है वो साढ़े आठ परसेंट से होती है और मैक्सम जो है नाइन पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है इसके अलावा यहाँ पे देखिए होम लोन मैक्स गेन है ट्राइवल प्लस होम लोन है टॉप अप लोन है टॉपअप ओवर ड्रॉप लोन है पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है रिवर्स मॉर्गेज लोन है योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन है तो ये सब यहाँ पे देखिए होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटेल्स देख सकते हो जिसकी स्टार्टिंग आप देख सकते हो साढ़े आठ परसेंट से हो जाती है अब यहाँ पे जो है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट किन को मिलेगा और मैक्सम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किन को मिलेगा तो मिनिमम पर उन लोगों को ऑफर किया जाता है जिनका यहाँ पे अकाउंट होता है या जो भी डिफेंस पर्सन गवर्नमेंट इंप्लॉय होंगे उनको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करा जाता है इसके अलावा अगर आपका कोई सभी अकाउंट नहीं है सैलरी अकाउंट वगैरह यहाँ से नहीं है तो फिर हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिले इसके अलावा बात कर लेते हैं अगर हम प्रोसेसिंग फीस की तो प्रोसेसिंग फीस देखिए यहाँ पे होम लोन रेगुलर में पॉइंट थ्री फाइव परसेंट लगती है इसके अलावा एनआरआई होम लोन रियलिटी होम लोन मैक्स गेन फ्लेक्सी पे नॉन सैलरी के लिए पॉइंट थ्री फाइव है टॉपअप लोन में भी पॉइंट थ्री फाइव लगती पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में एक परसेंट लगती इंस्टा होम टॉपअप लोन में दो हजार की लगेगी रिवर्स मॉर्गेज लोन में भी पॉइंट फाइव जीरो परसेंट आर्नेस्ट मनी डिपॉजिट स्कीम में भी पॉइंट फाइव जीरो इसके अलावा जो यहाँ पे डिफेंस पर्सन है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनके लिए स्कीम चलती है प्रिविलेज और शॉर्य होम लोन उनके लिए प्रोसिंग फीस जीरो है सुरक्षा होम लोन में भी जीरो है अपना घर में भी जीरो है केरला गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ के लिए भी जीरो रखी गई है तो मेनली जो गवर्नमेंट इंप्लॉय होंगे डिफेंस पर्सन होंगे उनको जीरो प्रोसेसिंग फीस पर और मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एसबीआई बैंक से होम लोन मिल जाता है वहीं जो अदर इंडिविजुअल है उनको पॉइंट थ्री फाइव परसेंट तक प्रोसेसिंग फीस जो है देनी पड़ती है अब यहाँ पे देख लेते हैं होम लोन की स्कीमें तो देखिए यहाँ पे होम लोन की काफी सारी स्कीमें चलती हैं जैसे कि यहाँ पे जनरल होम लोन है होम लोन टेक ओवर है एनआरआई होम लोन है एसबीआई फ्लेक्सी पे होम लोन है इसके अलावा प्रिविलेज होम लोन जिसमें कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का इंप्लॉय जो है अप्लाई कर सकता है श्योर होम लोन कोई भी डिफेंस नेवी एयरफोर्स का पर्सन इस स्कीम से अप्लाई कर सकता है प्री अप्रूव्ड होम लोन भी मिलता है प्री अप्रूव्ड होम लोन उन्हीं को मिलेगा जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे इसके अलावा यहाँ पे प्लॉट लोन भी चलता है कि अगर आपको कोई प्लॉट परचेज करना है या उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है तो आप एस के रियालिटी होम लोन स्कीम से लोन ले सकते हो होम टॉप अप लोन है अगर आप यहाँ से लोन लिया है आपने होम लोन आपका चल रहा है तो आप टॉप अप लोन भी ले सकते हो जिसको आप किसी भी पर्सनल लीड के लिए ले सकते हो योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन है नॉन सेल लीड जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनके लिए अलग स्कीम चलती है

प्लॉट में परचेज भी करना है उस उसमें कंस्ट्रक्शन भी कराना है उसके लिए लोन लेना तो उसके लिए मिलता है अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसमें आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन लेना तो भी आप ले सकते हो एक्सटेंशन कराना है तो एक्सटेंशन के लिए भी ले सकते हो और अगर आपकी प्रॉपर्टी है उस पर रिपेयर रेनोवेशन का काम कराना उसके लिए आप यहाँ से होम लोन ले सकते हो इस स्कीम से चर्च की बात करें तो होम लोन तो देखिए यहाँ पे हर कस्टमर वाइज जो है यहाँ पे होम लोन को प्रोडक्ट को बनाए गए हैं जैसे आप देख सकते हो जो स्कीमें चलती हैं वो हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अलग है जो गवर्नमेंट नहीं है प्राइवेट वगैरह करते तो उनके लिए अलग स्कीम चलती है किसी को सिर्फ प्लॉट खरीदना तो उसके लिए अलग स्कीम है किसी को अगर ट्राइबल और हिली एरियाज में कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी उनके लिए अलग स्कीम है नॉन सेलरीड है उनके लिए अलग स्कीम है।, है, है तो हर कस्टमर वाइज जो यहाँ पे अलग अलग स्कीमें चलती है इसके अलावा लो इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे होम लोन ऑफर किया जा रहा है तो एस बैंक एक ऐसी बैंक है जो पब्लिक सेक्टर की टॉप बैंक है और ये आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन इस समय ऑफर कर रहा है लो प्रोसेसिंग फीस है जैसे बताया कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल जीरो है और जो अदर इंडिविजुअल है उनके लिए भी काफी मिनिमम जो है प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है कोई भी हिडन चार्जेस यहाँ पे नहीं लिए जाते प्री पेमेंट पेनाल्टी आपको नहीं देनी पड़ती है फॉरक्लूजर चार्जेस भी यहाँ पे नहीं लगते हैं इसके अलावा इंटरेस्ट चेंजेस और डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है तीस सालों के लिए आप लोन ले सकते हो होम लोन एज ओवर भी आपको मिल जाता है और वुमेन्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी यहाँ पे मिल जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंडियन रेजिडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने का अठारह साल रहती है मैक्म सेवेंटी ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो मैक्सिमम आप तीस सालों के लिए लोन ले सकते हो इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या क्या लगते हैं तो देखिए सबसे पहले तो इम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड लगेगा लोन एप्लीकेशन का फॉर्म होगा जो आपको फिलअप करके देना पड़ेगा तीन पासपोर्ट साइज फोटो के साथ एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा अब प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट होंगे जिस टाइप के भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो या अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी उसमें कंस्ट्रक्शन करा रहे हो या रिपेयर रिनेोवेशन करा हो तो उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन लगेगा इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉपर्टी अलॉट हुई है कोई कोई प्लॉट वगैरह आपने जो है यहाँ पे लिया हुआ है लोकल अथॉरिटीज द्वारा तो आपको अलॉट हुआ तो अलॉटमेंट लेटर आपको देना पड़ेगा एक्सचेंट एग्रीमेंट फॉर सेल देना पड़ेगा इसके अलावा यहाँ पे मेंटेनेंस बिल अगर आपकी कोई एक्जिस्टिंग प्रॉपर्टी उसी पे आप कुछ काम करा तो आपको मेंटेनेंस बिल, बिल, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आपको देनी पड़ेगी न्यू प्रॉपर्टी देखिए कन्वेंस डीड हो गया इसके अलावा रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ़ द बिल्डर हो गया और जो आपने बिल्डर या सेलर को पेमेंट वगैरह करी होगी तो वो उसका भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है अब बैंक अकाउंट स्टेटमेंट सिक्स मंथ का आपको दिखाना पड़ेगा जितने भी आपके बैंक अकाउंट है मेनली जो है आपका जिस भी अकाउंट में सैलरी आती होगी उसका जो है यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ता है सिक्स मंथ का और अगर आपका पहले कभी लोन चला हुआ है तो उसका भी आपको एक साल का स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाना पड़ता है अब बात कर लेते हैं इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट की तो जो सैलिड एप्लीकेंट होंगे और जो सैलिड एप्लीकेंट को एप्लीकेंट ऐड कराएंगे गारंटर ऐड कराएंगे चूंकि अगर आप जानते हो अगर आप होम लोन वगैरह लेने जाते हो तो होम लोन में देखिए आपको यहाँ पे को एप्लीकेंट और गारंटर वगैरह जो है रखना होता है ये बैंक द्वारा मांगा जाता है तो सैली स्लिप आपको उसकी देनी पड़ेगी लास्ट थ्री मंथ की एप्लीकेंट की को एप्लीकेंट की और गारंटर तीनों की इसके अलावा फॉर्म हो गया लास्ट ईयर का आप दे सकते हो फॉर्म एक्सन नहीं है तो आप आई रिटर्न भी लास्ट टू ईयर का दे सकते हो अब यहाँ पे जो नॉन सैलिड होंगे को एप्लीकेंट और गारंटर होंगे उनके लिए बिजनेस एड्रेस आईटी रिटर्न लास्ट थ्री ईयर का बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट थ्री ईयर का बिजनेस असिस्टेंट डिटेल टीडीएस सर्टिफिकेट और अगर आप सेल्फ इम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ता है तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एस बैंक से होम लोन लेने के लिए अब अगर आपको एस बैंक में होम लोन की इलिजिबिलिटी चेकआउट करनी है कि आपकी सैलरी के हिसाब से आपको यहाँ पे कितना लोन तो मिल जाएगा तो सिंपली देखिए आप अपलाई नाउ का आपको लिंक मिल जाएगा इस लिंक पर आपको जाना है यहाँ पे देखिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखो आ जाओगे यहां पे देखिए आपको डाउनलोड अपलीकेशन फॉर्म भी जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो इनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो और वहां से भी आप होम लोन की एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो तो देखिए जैसे आपको लेना है तो आप यह सबसे पहले तो अपनी मंथली एमआई टोटल इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो जितना भी लोन अमाउंट लेना है जैसे हमको लेना है पच्चीस लाख रुपए का पच्चीस लाख का देखिए हमने लोन अमाउंट ले लिया हुआ है और कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर तो हमने यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है साढ़े आठ परसेंट से स्टार्टिंग तो हो रही है तो हमने मेनली मोटा मोटा नौ ले लिया और कितने मंथ के लिए आपको लेना है तो मंथ हमने डाल दिया कि हमको बीस सालों के लिए लेना है बीस साल मतलब दो मंथ के लिए हमको लोन लेना है तो आप देख सकते हो पच्चीस लाख का लोन है इंटरेस्ट आपको अट्ठाइस लाख का पे करना पड़ रहा है मंथली माई आपकी बाईस बन रही है तिरानवे पे देखिए आपको अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा अप्लाई नाउ पर जैसे आप करोगे तो सबसे आप पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एस बैंक से है कि नहीं है कि एफ बी आई बैंक में आपका कोई सा भी अकाउंट हो चाहे वो सैलरी हो सेविंग हो करंट हो कोई सा भी अकाउंट हो तो अगर है तो वहां पे आपका अपना अकाउंट नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे आगे वेरीफाई कर दीजिएगा इसके बाद आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी अब अगर आपका नहीं है तो नो no कर दीजिएगा फिर आपको अपना नाम मिडिल नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर ई मेल डेट ऑफ बर्थ इंडियन रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट इंडियन हो ये सब डाल के यहाँ पे वेरीफाई करके अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ से चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आप भी यहाँ से होम लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के अपने एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो अब यहाँ पे हम देखने वाले यह ई एमआई और टोटल इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो तो इसके लिए आप इस ई कैलकुलेटर पर आ जाओगे यहाँ पे आप अमाउंट डालोगे कि हमको पच्चीस लाख का जैसे होम लोन का अमाउंट लेना है से स्टार्टिंग तो हो रही है तो हमने मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट नौ ले लिया और अगर हम 20 सालों के लिए होम लोन लेते हैं तो पहले 20 साल पहले हम 25 सालों के लिए देखते हैं ई कितनी बनेगी 25 लाख का लोन 25 सालों के लिए बीस हजार नौ सौ अस्सी की एमआई बनेगी टोटल इंटरेस्ट आपको सैतीस लाख तिरानवे हजार रुपए का पे करना पड़ेगा और अगर आप बीस सालों के लिए लेते हो तो बाईस हजार चार सौ तिरानवे की ई बनेगी टोटल इंटरेस्ट आपको अट्ठाईस लाख अट्ठानवे हजार तीन सौ छप्पन रुपए का पे करना पड़ेगा तो इस तरीके से आप अपना मंथली एमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस एम कैलकुलेटर पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक बार जाकर जरूर चेकआउट करिएगा और अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने किसी भी बैंक के तो यहाँ पे देखिए आपको हर बैंक का होम लोन का मिल जाएगा जैसे एस है एक्सिस एच डी एफ सी पी एनबी सिटी बैंक डी सीबी बैंक टाटा कैपिटल होम लोन आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक फेडरल बैंक यस बैंक जितने बैंक हैं उन सबके आपको होम लोन के लिंक यहाँ पे मिल जाएंगे तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं आई बैंक के होम लोन की तो यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा आप जो है लेटेस्ट में जो भी एस बैंक में चल रहे होंगे वो आप यहाँ से कर सकते हो इनकी जो जो स्कीमें चल रही है उसके बारे में आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख सकते हो आप इनके फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो कोई ऑफर अगर आई बैंक लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद